हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग सुबह 6 बजे का टाइम है। एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं ब्रश करके और आ गई हूँ किचन के तरफ और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। तो चाय को इन्जॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और यहाँ पर स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ मैं CDP से। और CDP किससे पढ़ रही हूँ? मैं RP सर से, जो कि चंद्रा क्लासेस में पढ़ाते हैं। RP सर को शायद सभी लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कर रहे हैं स्टडी और देखते हैं आज कितनी स्टडी हो पाती है और साथ ही साथ में आज कितना प्रोडक्टिव दिन हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी टाइम से मैं 6 बजे उठ रही हूँ मॉर्निंग में। अब मैं अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी होने लगी है और दिन में थोड़ा सा आलस हो जाता है और मन करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो। खाना खाने के बाद सभी को लगभग आलस आता ही होगा थोड़ा ना थोड़ा। तो 1 घंटे का वो रेस्ट के लिए टाइम जो बेकार होता है मेरा दिन में, वो सोच रही हूँ मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके उसे मैनेज कर लूँ। तो चलो फ्रेंड्स, कल से स्टार्ट करते हैं उठना और देखते हैं क्या हो पाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ये मेरा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक स्लॉट था स्टडी का। 9 बजे मैं उठ गई हूँ और अभी कर रही हूँ मैं लंच प्रिपेयर। और लंच वगैरह और जो घर के काम होते हैं वो सिर्फ मैं एक बार उठती हूँ और एक बार में ही मैं पूरे घर का काम ख़त्म करके और अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। मैं बार बार का पूरे दिन का नहीं रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर स्टडी को मज़े में नहीं कर रहे हो ना, तो करने लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आ चुका है, जो कि CTET जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज 28 तारीख है, 27 यानी कि कल नाइट को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी कर लीजिए, इस चीज़ में बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, क्योंकि जो CTET में क्या चलता है कि जो जल्दी आवे वो जल्दी पावे, वो है क्यों क्या होता है कि अगर आप लोग जल्दी फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर। अगर आप लोग फॉर्म फिल करने में डिले करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सेंटर एग्ज़ाम सेंटर होगा वो 800-900 किलोमीटर आपके घर से दूर हो सकता है, जिसमें क्या होगा 1000 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा और साथ ही साथ में कुछ डक्के भी आप लोगों को खाने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही है, फॉर्म फिल करना ही है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। और सेकंड ये कि अगर आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, फॉर्म फिल करना है, तो आप लोग अपनी स्टडी को बहुत अच्छी डायरेक्शन दे दीजिए, क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है, तो जुलाई कितने जुलाई से स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और साथ ही साथ में आपका एग्ज़ाम किस स्लॉट में आ जाए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फर्स्ट स्लॉट में हो जाए, सेकेंड स्लॉट में हो जाए, थर्ड स्लॉट में आ जाए, किस फेज में हो आपका एग्ज़ाम अभी कुछ नहीं पता है। तो आपके पास ओनली मई और जून 2 मंथ हैं, और जो जुलाई रहेगा 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन रहेंगे उसमें वो रिवीजन का रहेगा, है ना। तो आप लोग एक अच्छी डायरेक्शन दीजिए और मुझे लगता है कि CTET के लिए 2 मंथ काफ़ी हैं, अगर आप लोग अच्छी ही मतलब कि स्टडी करते हैं अच्छी डायरेक्शन में। तो CTET में 130 नंबर लाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर आपको इस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इस चीज़ के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग 2 महीने में 130 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं CTET में, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना CTET प्लस UPTET क्वालिफाई किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग CTET की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, ये आफ्टरनून का समय है, मैं घर के सभी काम ख़त्म करने के बाद यहाँ बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और आज मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ लिंग। लिंग का क्या है, मैं इसका प्रैक्टिस सेट करूँगी, जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं बुक में, लगभग ये 200 क्वेश्चन हैं और 200 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगी। और मेरे सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कभी भी बुक पर टिक नहीं करती हूँ, एक नोटबुक लेती हूँ और नोटबुक पर इस तरीके से मैं ABCD जिस ऑप्शन का वो करेक्ट होता है मैं उसका मैं करती जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लगभग 200 क्वेश्चन हैं लिंग वाले के, वो मैं कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड, जिन लोगों का UPTET या फिर CTET अभी तक नहीं निकला है, 1 या 2 मार्क्स अभी तक रह जाता है, या फिर जो लोग बिगनर हैं तो वो लोग जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये वाली साल जो है वो इलेक्शन की साल है, तो इस बार भर्ती आनी ही आनी है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वैकेंसी 100% आएगी, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि दिसंबर लास्ट तक वैकेंसी आ ही जाएगी। तो आप लोग अपनी स्टडी को अच्छा
डायरेक्शन दीजिए और अपनी स्टडी को कीजिए और सी टेट क्वालिफाइड करिएगा और फिर उसके बाद अपनी वैकेंसी में आपको बैठने का मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए। और मैथ का जो स्लॉट है वो मेरा लगभग 2.5 घंटे का होने वाला है। और मैथ मैं किस तरीके से करती हूँ कि जो किसी भी टॉपिक को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके एग्जाम्पल दिए होते हैं 10 से 12, तो मैं उन एग्ज़ाम्पल को भी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट में 150, 200, 250 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कम्प्लीट करती हूँ। इस तरीके से मेरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कल मिलते हैं न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।